नमस्कार, न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले अभी सबकी नजर एग्जिट पोल के अनुमान पर बनी हुई है। इसके मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, जबकि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। मिजोरम में हंग असेंबली के आसार दिख रहे हैं। कुल मिलाकर 5 राज्यों में से 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म हो गया है और उसी के साथ इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी है। इजरायली विमानों ने आसमान से पर्चे गिराए हैं, जिसमें गाजा के निवासियों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को कहा गया है। हालांकि ये वो इलाके हैं जहां पहले से भयंकर बमबारी की जा चुकी है। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल की बमबारी में गाजा के दक्षिणी हिस्से में मौजूद राफा इलाके में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। उधर गाजा से सटे दक्षिणी इजराइल के इलाकों में भी हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। समझा जा रहा है कि गाजा की तरफ से भी इजराइल की ओर कई रॉकेट दागे गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और आसपास के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसी के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस को जानकारी देने के बाद स्कूलों ने बच्चों के घर वालों को भी इसकी जानकारी दे दी है। उसी के बाद ज्यादातर स्कूल खाली करवा लिए गए और जगह जगह बम निरोधक दस्ते पहुंचकर तलाशी लेने लगे। इन सभी स्कूलों को स्कूलों में बम लगाने की धमकी ईमेल से भेजी गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और साइबर सिक्योरिटी सेल को ईमेल भेजने वाले तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसे सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए किसी की शरारत समझा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सेना के लिए 57 तेजस और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये दोनों स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये सौदा करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी ने बताया कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बाद भारत को लड़ाकू हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 और वनडे मैच नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत ने तीनों फॉर्मेट की टीम का ऐलान कर दिया है। हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान टीम की कमान को संभालेंगे। टेस्ट में रोहित शर्मा, वनडे में KL राहुल और T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। ये सीरीज 10 दिसंबर से शुरू होगी और दौरे के लिए टीम 6 दिसंबर को रवाना होगी। साउथ अफ्रीका दौरे में भारत 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट।